नमस्कार। आज लोकसभा चुनाव के की मतगणना हो रही है, रुझान मिल रहे हैं, जो अभी तक चुनाव नतीजे आए हैं और जो रुझान है उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक नए मुकाम को हासिल कर रही है, ऐतिहासिक विजय हासिल कर रही है। पिछले चुनाव की दृष्टि देखा जाए तो इस बार अलग परिणाम आया, ऐतिहासिक परिणाम आया। खासकर भारतीय जनता पार्टी ने जो बढ़त हासिल की है वो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक विजय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमारे साथ इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुभाष गुप्ता। डॉक्टर सुभाष गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं और कम्युनिकेशन मीडिया में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, ये जो चुनावी नतीजे आए हैं एक ऐतिहासिक जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो क्या वजहें थी, कौन से मुद्दे थे जो भाजपा ने इस ऐतिहासिक मुकाम को हासिल किया है, क्या समझते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो मोदी जी का करिश्माई व्यक्तित्व है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, जिस तरह देश की साख बनी है, जिस तरह पुलवामा का अटैक, जिस तरह हर कदम उनका लोग उनके फैन होते चले गए। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इस करिश्माई, इस जादुई पर्सनालिटी के साथ सोने में सुहागा वाली बात उत्तराखंड में भी हुई है। उत्तराखंड की सरकार ने लोगों को निराश नहीं किया। मोदी जी से जो उम्मीदें बंधी थी, जो डबल इंजन की उन्होंने बात करके लोगों को जोड़ा था, उस लगाव को उत्तराखंड ने भी बहुत हद तक बढ़ाया है। मतलब आपका कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व है, जो उनकी कार्य प्रणाली है, जो उनके एक सरकार की कार्यशैली है, जो उपलब्धियां थी, परफॉर्मेंस है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय विषय हो, चाहे राष्ट्रीय विषय हो, या जो जनता से जुड़े मुद्दे हों, उन सब पर भी जनता ने वोट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की को। देखिए साहब, इस चुनाव में तो सबसे अहम भूमिका ही मोदी जी के जादुई व्यक्तित्व ने निभाई है। लोगों की जो आशाएं थी, जिस तरह उन्हें पूरा किया गया, जो लोग ख्वाब देखते थे वे पूरे किए गए। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो आप देखिएगा कि कर्णप्रयाग तक रेल लाइन बनाई जाएगी। ये एक पुराना ख्वाब है उत्तराखंड का, हर शख्स सदियों से, दशकों से ये देखता आया है। जब रेल आई थी, रेल ऋषिकेश के बाद रुक गए, उधर कोटद्वार के बाद कभी आगे नहीं बढ़ी। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद दशक इसका हुआ था। कर्णप्रयाग तक रेल लाइन बनाने की बात थी, उसके लिए शिलान्यास भी हुआ था पिछली कुछ दशक पूर्व सरकार ने किया था, लेकिन उसे कार्य बढ़ा नहीं। लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद, सत्ता में आने के बाद, वो किस तरह से आगे बढ़ा, किस रूप में देखते हैं? देखिए, शिलान्यास तो राजनीति में होते हैं, एक राजनीतिक टोटके के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। पर मोदी जी की सरकार आने के बाद इस पर काम शुरू हुआ, लोगों ने नंगी आंखों से देखा। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जगह जगह काम चल रहा है, बड़े युद्ध स्तर पर ये काम चला, स्टेशन बनाने के लिए, रेलवे के दूसरे और इस्टेब्लिशमेंट बनाने के लिए जमीनों का अधिग्रहण हुआ, लोगों को अधिग्रहण के बाद पैसा मिल गया और वहाँ काम होते हुए दिखा। तो इससे लगा कि ये ख्वाब सिर्फ एक लुभावना नारा नहीं है, जो ख्वाब परोसा जा रहा था, राजनीतिक वायदा नहीं है, ये धरातल पर दिखाई पड़ रहा है, धरातल पर दिखाई दे रहा है, लोग महसूस कर रहे हैं, लोग उसमें जी रहे हैं। अब लोग कहने लगे कि कुछ साल बाद कर्णप्रयाग हम ट्रेन से पहुंचेंगे, जो बिल्कुल संभव ही नहीं लगता था किसी भी तरह। गढ़वाल के लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि होगी कि वो ट्रेन से सीधे पहुंच जाएंगे कर्णप्रयाग। हाँ, ये गढ़वाल के लोगों के लिए भी होगी और टूरिस्ट के लिए भी होगी, तीर्थ यात्रियों के लिए भी होगी। बहुत सारे लोग जिन्हें बस में और दूसरे वाहनों में दिक्कत होती है, रेल उनके लिए एक बड़ा सुगम, बहुत सुविधाजनक साधन होगा। इसके अलावा ऑल वेदर रोड का भी काम शुरू हुआ, ये नारे से बाहर निकल कर धरातल पर उतरी और उत्तराखंड के लोग देख रहे हैं कि किस तरह ऑल वेदर रोड का काम दिन रात चल रहा है, युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसका परिणाम आने लगा है। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, दुर्घटनाओं का खतरा कम हो रहा है, तो ये बेकार नहीं जा सकता। ये मतलब आपका मानना है कि जो ऑल वेदर रोड है या जो रेल मार्ग बनाया जा रहा है कर्णप्रयाग तक, इससे पूरे प्रदेश का विकास होगा, तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, उन्हें सुविधा भी मिलेगी, लोग सुविधाएं मिलेंगी। हाँ। पर्यटक ज्यादा संख्या में आएंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, आर्थिकी मजबूत होगी। हाँ। प्रदेश की, अच्छा देखिए, उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी और सबसे बड़ी समस्या है पलायन, गांव के गांव खाली होते चले जा रहे हैं। तो इसे रोकने के लिए डबल इंजन सरकार ने पहल की, इन्होंने इन्वेस्टर्स बुलाए, हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर से भी निवेशक आए, सम्मेलन हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर, जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी, ऐसे MOU हो गए। उनमें आधे चौथाई भी अगर MOU धरातल पर उतरते हैं तो उत्तराखंड में उद्योग आएगा और बड़े पैमाने पर उद्योग आएगा। और उद्योग अगर आता है तो वो जो सबसे बड़ी समस्या है कि पहाड़ पर करने के लिए काम नहीं है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, रोजगार का सृजन होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, लोग अपने घर के पास
काम कर सकेंगे, कुछ को नौकरी मिलेगी, कुछ अपने कारोबार करेंगे, क्योंकि जहाँ भी मनी आती है, जहाँ भी गतिविधियाँ बढ़ती हैं, वहाँ लोगों के लिए मौके भी बढ़ते हैं। तो आपका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वायदे किए उस पर काम किया, आगे बढ़े, धरातल दिखाई पड़ा काम, तो मतदाताओं को लगा कि जो सरकार कह रही है वो कर रही है। हाँ, मतदाताओं को लगा सरकार की दिशा, सरकार की जो कार्यप्रणाली गति और नियत साफ है, इससे उम्मीद कर सकते हैं कि कल अच्छा है। लेकिन एक बात, बीजेपी जो विपक्ष आरोप लगा रहा चुनाव के दौरान, कई तरह के आरोप लगा रहा था, तो उन आरोपों को कोई आधार, मतलब आरोप आधार था या नहीं था, या मतदाताओं ने किसको किया, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो सामान्य सी बात है, जब तक साबित नहीं होता, जब तक कोई दोषी नहीं ठहराया जाता, तब तक जनता उन्हें सजा देने के मूड में नहीं है। पिछली सरकारों में भी हुआ और ये हमेशा होता रहेगा, आरोप लगते हैं, इस पर लगे, उस पर लगे, उस पर लगे, कुछ चुनाव बीतता तो भुस भी हो जाते हैं कई बार, और अभी तक कोई सियासी जगत में ऐसा आरोप कहीं किसी पर साबित नहीं हुआ। ये कहा जा सकता है कि जो विपक्ष ने आरोप लगाए उसको मिथ्या मान रही थी, उन्हें जनता ने नकार दिया, जनता ने विपक्ष की बातों पर, उन आरोपों पर भरोसा नहीं किया, ये साबित किया उन्होंने वोटों की शक्ल में साबित किया। साहब, आप देखिए, हर जगह जीत का आंकड़ा चौंकाने वाला है। नैनीताल का रिकॉर्ड था साहब, 284,000 से भगत सिंह कोश्यारी जी जीते थे, और अब फिर देखिए आप, अजय भट्ट जी लड़े बीजेपी के प्रदेश रिकॉर्ड वोट हासिल किया उन्होंने, 3,25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, अभी कुछ देर पहले तक की बात है। और उनका मुकाबला किससे है? उनका मुकाबला हरीश रावत से है, जो पिछली सरकार में मुख्यमंत्री रहे, जो अपने कामों को गिनवाते रहे। ये व्यक्तिगत बात होगी, अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता को अजय भट्ट चुनाव में 3,25,000 से पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, अगर ये तो शायद उत्तराखंड के चुनावी इतिहास में एक नया मुकाम है, नया रिकॉर्ड है। यहाँ तक अभी तक नहीं पहुंचे थे, पिछले चुनावों में भी इसके आसपास तक पहुंचे थे। क्या वजह रही होगी कि इसे रिकॉर्ड मतों से अजय भट्ट को विजय हासिल होने जा रही है? देखिए, भाजपा का चेहरा है वो मुख्यमंत्री, अगर सरकार में चेहरा है तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो भाजपा का जो जादू चल रहा है इस वक्त वो केंद्र का जादू मोदी जी का। कहीं कहीं जो हरीश रावत जी की कार्यप्रणाली थी, या जो मुख्यमंत्री थे, या जो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनसे जनता ने नकार दिया, जनता विश्वास नहीं कर पा रही है। ये वोट बता रहे हैं, वोट ये साबित कर रहे हैं कि जनता को भरोसा अब नहीं है इस चुनाव में। तो जनता जहाँ मोदी जी का जादुई व्यक्तित्व देख रही है, वहीं काम भी देख रही है, केंद्र के काम भी देख रही है, स्टेट के काम भी देख रही है। अब बात की जाए गढ़वाल की, गढ़वाल में भुवनचंद खंडूरी, मेजर जनरल भुवनचंद खंडूरी एमपी थे भारतीय जनता पार्टी से, इस बार उनके बेटे चुनाव लड़े, उनके खिलाफ तीरथ सिंह रावत चुनाव लड़े, उनके शिष्य कहे जाते हैं, तो उस चुनाव में ऐसा खंडूरी जी का प्रभाव क्यों दिखाई पड़ा? ये देखिए, जनता ने इस चुनाव में ये तो साफ कर दिया कि वोट किसी की बपौती नहीं है, वोट चेहरा देखकर नहीं पड़ता, वोट पार्टी देखकर पड़ रहा है, वोट काम देखकर पड़ रहा है। पिताजी लड़े थे इसलिए पिताजी को ज्यादा वोट मिले थे, अगर आप पुराना आंकड़ा देखें, पिछला अगर देखें, तो बहुत अच्छा जनरल खंडूरी 184,500 से भी ज्यादा वोटों से जीत गए थे। लेकिन अगर उनके बेटे का देखें तो उनके बेटे अभी जो पीछे चल रहे हैं, 285,000 वोटों से ज्यादा से बनाए हुए हैं। तीरथ सिंह रावत जिन्हें उनका मानद पुत्र माना जाता, जिन्हें उनका राजनीति में शिष्य माना जाता, वो उनके बेटे मनीष खंडूरी से 42 वोटों से आगे हैं। और इसका कहीं ना कहीं पार्टी और नरेंद्र मोदी का जादुई करिश्मा व्यक्तित्व दिखाई पड़ा, ये दिखा है, लोगों ने महसूस किया है, लोगों ने उसे स्वीकार किया है, बहुत सम्मान के साथ मतदाताओं ने वो गले लगाया। अब बात की जाए हरिद्वार की, हरिद्वार में कांग्रेस ने अमरीश कुमार को उम्मीदवार बनाया था, भारतीय जनता पार्टी से जो सांसद सिटिंग एमपी हैं, बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी को बनाया था, वहाँ बसपा की पैठ बताई जाती थी, कांग्रेस की पकड़ बताई जाती थी, तो वहाँ के, लेकिन उन सबके बावजूद निशंक जी दोबारा जीत हासिल की, वो भी एक अच्छे मतों से। आप देखिए निशंक जी, पिछले चुनाव में इस सीट से 177,800 से भी ज्यादा वोटों से जीते थे, और अभी काउंटिंग पूरी नहीं हुई है, पर ये आंकड़ा 254,000 आगे बढ़ेगा, आगे निकल चुका है। कहीं ना कहीं कहा जाए कि जो भाजपा के सांसद उन्होंने काम किया उसको जनता ने स्वीकार, सांसदों के काम को भी स्वीकार किया गया है, और जिन सांसदों पर ये आरोप था कि वो काम नहीं करते, वे भी अच्छे अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। इसका मतलब कि वोट देते समय मतदाताओं ने सिर्फ सांसदों को नहीं देखा, उस नेता को देखा है, उस जादू को देखा है जो दिल्ली से चल रहा है, देश के विकास के, देश की मजबूती के लिए काम कर रहा है, मजबूती के लिए
अब बात कीजिए नैनीताल ऊधम सिंह की बात आपने करी, टिहरी गढ़वाल में भी बड़ा टक्कर बताई जाती है, लेकिन जो परिणाम आ रहे तो टक्कर दिखाई नहीं पड़ा उसमें। हाँ, परिणाम पिछले साल से अगर देखें तो करीब 1 लाख वोटों का अंतर अभी भी महसूस हो रहा है। जी जी आप देखिए पिछली बार माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, पिछले बार के मुकाबले ज्यादा मत मिले, ये जी, कहना चाह रहा है। पिछली बार वो 1,92,500 से ज्यादा वोटों से जीती जी, थी जी। और इस बार 2,91,000 वोटों से आगे चल रही है अभी कुछ देर। ये तो देखिए आंकड़े की बात है, आप ध्यान दीजिए यहाँ प्रीतम सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनके मुकाबले में हैं और अंतर पहले से ज्यादा बढ़ गया। ये तो आंकड़ों की बात है, तो इसमें मुख्य केंद्र सरकार की पर भरोसा लोगों ने जताया फिर से एक बार, लेकिन जो प्रदेश में सरकार है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह की सरकार है उसको किस रूप में लोगों ने देखा? और देखिए साहब, केंद्र पर लोग भरोसा जता सकते हैं, पर अगर स्थानीय स्तर पर नाराजगी होती है, स्थानीय स्तर पर ऐसे कामकाज हो रहे होते हैं जिसे जनता पसंद नहीं करती, जनता के दुख दर्द दूर होने की बजाय अगर बढ़ रहे होते हैं तो इस तरह के परिणाम नहीं होते, कुछ नाराजगी। मतलब आपका कहना ये है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो व्यक्तित्व है, जो ईमानदार छवि है, जो पारदर्शी छवि है, उसका असर भी जनता को, जनता पर, जनता को दिखाई पड़ रहा है। और यही जनादेश केदारनाथ का कायाकल्प हो, भ्रष्टाचार रोकने की उनकी कवायद हो, इन्वेस्टमेंट लाने की कवायद हो, सुशासन देने के प्रयास हो, उस पर भी जनता ने मोहर लगाई है। तो मोटे तौर पर बात कहा जा सकता है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली थी जी, जिस तरह देश का विकास हुआ, देश मजबूती आई, खासकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में या सुरक्षा के मामलों में, जो सैनिकों को मामले थे उन सबको जो सुरक्षा दिखाई पड़ा, उसके साथ साथ प्रदेश में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने जो कामकाज किया उसको भी जनता ने स्वीकारा, भी स्वीकारा है और उस पर जनता ने वोट किया, वोट किया है। देखिए मोदी जी के कामों की वजह से वोट पड़ा है और यहाँ की सरकार ने जनता को निराश नहीं किया, जनता को खुशियाँ दी हैं, उम्मीदें दी हैं, इसका नतीजा है कि वोट और बढ़ गया, मोदी लहर से भी ज़्यादा वोट बढ़ गया इस बार, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बात। मतलब ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीतियाँ थीं, जो कार्यप्रणाली थी, जैसे उज्ज्वला योजना है और प्रधानमंत्री जनधन योजना थी, प्रधानमंत्री आवास थी, कई सारे जो कार्यक्रम उसका जनता विपक्ष पर, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत ज़्यादा बढ़कर आगे बढ़कर जनादेश दिया है। डॉक्टर साहब, इस परिचर्चा में आप बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।